आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से पूरे बिहार समेत उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है, इसको लेकर कल रेल मंत्री ने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, 1.5 करोड़ आवेदन 2019 में आए थे लेकिन अभी तक इस पर बहाली प्रक्रिया नहीं हुई है, एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है। इसके बाद जो भी उपद्रव हुए पूरे बिहार समेत अलग अलग इलाकों में, अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। कई कोचिंग संस्थानों के मालिकों पर FIR दर्ज कराया गया है और इसका पुरजोर विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से रेलवे की गड़बड़ी के वजह से ये सब चीज़ हुई है, इसमें किसी भी संस्थान के मालिकों की कोई भी मिलीभगत नहीं है। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे को डैमेज कर रहे हैं, इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में और भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है इसका जिम्मेदार रेलवे है। और बिहार MLC कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि रेलवे के उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराने में असक्षम रहे हैं। कल रेल मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था, आखिर उन्हें नौकरी कब तक मिलेगी? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उन अभ्यर्थियों के साथ है, लेकिन जो उपद्रव कर रहे हैं, जो हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलों में जो आग लगाए जा रहे हैं, इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। साथ ही साथ UPA 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव आज रेल मंत्री होते तो ये स्थिति देश में उत्पन्न नहीं होती। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा था और अभी तक उन्हें नौकरी और उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस पर कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है और रेलवे के उन अधिकारियों पर इस मामले को लेकर उन पर FIR होना चाहिए। इस मामले पर आज क्या कुछ कहा है कांग्रेस MLC प्रेमचंद्र मिश्र ने, सुनिए आप। NTPC अभ्यर्थियों पर प्रदर्शन किया, उन पर FIR किए गए, कई सारे कोचिंग संस्थानों के मालिकों को खिलाफ FIR किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री ने भी मान लिया है कि बहाली प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि ये मामला पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो रेलवे बोर्ड की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे। रेलवे बोर्ड ने पिछले 2-3 सालों से भ्रम फैला रखा है और रेलवे बोर्ड के फैसलों से इतना आक्रोश बढ़ा है कि आप देख रहे हैं कि अब हिंसक घटनाएं होने लगी। तो कांग्रेस पार्टी दो चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके आंदोलनरत छात्रों की समस्याओं को सामने लाया है। हम छात्रों से अपील करेंगे कि वो किसी भी स्तर से हिंसक घटनाओं से अपने आप को अलग रखें। रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हमें उससे बचाना है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सत्याग्रह कर सकते हैं, हम बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने का प्रयास कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो तरीके हैं उनको अपना सकते हैं, लेकिन हिंसक घटनाएं ना हो वो ज़्यादा बेटर है। अगर रेलवे की बोगियों को जलाया जा रहा है, यह रेलवे बोर्ड की गलतियों का ही नतीजा है, तभी तो आक्रोश में छात्र गुस्से में कर रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं रहा भारत सरकार के रेलवे बोर्ड पर, उनके एजेंसियों पर, उनके अधिकारियों पर। अब कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का समर्थन है। कांग्रेस पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कर्तव्य होता है, अगर कहीं पुलिस दमन की कार्रवाई हो रही है तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? लोकतंत्र है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, कांग्रेस पार्टी ने खुलकर समर्थन किया, एक रास्ता निकला, बातचीत करना पड़ा और उन्हें अपना कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो रेलवे बोर्ड लगातार 2018 में, 2019 में, 2020 में लगातार अपने ऐसी ऐसी घोषणाएँ की जिस अभ्यर्थियों को लगा कि हमें ठगा जा रहा है और अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता गया। अभ्यर्थियों को, छात्रों को, रेलवे बोर्ड के ऊपर, भारत सरकार की एजेंसियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, तो कांग्रेस पार्टी कोई आगजनी का समर्थन थोड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो पुलिस दमन की कार्रवाई हो रही है उसे गलत मानती है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि छात्रों के ऊपर पुलिस दमनात्मक कार्रवाई बंद होनी चाहिए और कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो रेलवे भर्ती बोर्ड में, रेलवे बोर्ड में बैठे हैं और गलत फैसले लेके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर केंद्र सरकार ले जा रही है। UPA 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, गोल्डन पीरियड में सर रेलवे गया उस टाइम, क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के रेलवे में और आज के रेलवे में क्या फ़र्क है सर?
देखिए, रेलवे बोर्ड ही नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट ही नहीं, कई ऐसे एजेंसियां हैं जिन्हें अब प्राइवेटाइजेशन की ओर मोदी सरकार ले जा रही है। वो तो देश का नुकसान होना ही है, आज हो कल हो। और ये हो सकता है इस तरह की फैसले जो गलत हो रहे हैं उसका भी एक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप गलती आप कर रहे हैं, बदनाम कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी संगठन अगर पुलिस दमन की कार्रवाई होगी तो चुप नहीं रहेगी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट, और उन्हीं छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। तो ये कौन सा आपकी कार्यशैली है? जेपी ने तो ये नहीं सिखाया था, पुलिस दमन के खिलाफ ही आंदोलन हुआ था, आज आप ही लोग पुलिस दमन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से भी और बीजेपी वाले जो सत्ता में, उनसे हमारा आग्रह होगा पुलिस दमन की कार्रवाई की बजाय आप छात्रों के जो जेन्युइन मांगे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार से बात करें। केंद्र सरकार में आप शामिल हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं वो सरकार की तरफ से हो रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने से, इस आंदोलन में शामिल है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ये कहने से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।